कालराज वहां मारीच और कुछ राक्षसों के साथ वहां पर आया था। वह सबको पता था कि कालराज अकेला भी क्या करने में सक्षम है। उसने आश्रम में कुछ ही राक्षसों के साथ आने का साहस किया। इसका अर्थ ये नहीं था कि वो मूर्ख था, पर ये उसके आत्मविश्वास का हिस्सा था। उसे देखते ही सब सतर्क और हैरान हो गए। सबने अपने शस्त्र निकाल लिए। अरमान ने अपनी माँ और बाकी के आश्रम के लोगों को अपने पीछे कर लिया और फिर अपना खड़ग प्रकट कर लिया। विजयदेव भी अपना खड़ग निकाल कर तैयार हो गए थे। इतने सारे देवताओं को शस्त्रों के साथ एक साथ देखकर, अरमान और विजयदेव को भी अपने सामने खड़ा देखकर कालराज घबराया नहीं। वो उसी आत्मविश्वास के साथ वहां खड़ा था और इधर उधर नजर घुमाकर हर तरफ अच्छे से देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। तभी कालराज ने सबकी ओर देखते हुए कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरी बेटी आयशा दे दो और मैं यहां से किसी को हानि पहुंचाए बिना तुरंत ही चला जाऊंगा। पर अगर तुम लोग ऐसा करने से इनकार कर देते हो तो आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। ये सुनकर अरमान एकदम गुस्से में बोल पड़ा, क्यों ढोंग करते हो? हम सबको पता है आयशा तुम्हारे पास ही है। सीधे सीधे बता दो कि क्यों आए हो यहाँ। अब और क्या चाहते हो हमसे? ये सुनके कालराज कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया कि अरमान ये क्या कह रहा है। पर फिर उसे लगता है कि ये अरमान की चाल है उसे आयशा से दूर रखने के लिए। कालराज ने हंसते हुए कहा, ये पैतरे मुझ पर काम नहीं करने वाले। ये चतुराई मेरे सामने मत दिखाओ। मेरे इतने हजारों वर्ष के जीवन में मैंने ऐसे बहुत से पैंतरे देखे हैं। अच्छा होगा इन सब में समय गंवाए बिना आयशा को मेरे हवाले कर दिया जाए। ये सुनकर अरमान थोड़ा और गुस्से में आ गया और कालराज से कहा, अगर आयशा हमारे पास होती तो भी तुम्हारी छाया भी उस पर नहीं पड़ने देते। तुम जैसे पिता पिता होने के नाम पर कलंक होते हैं, जो अपनी ही संतान को मौत के घाट उतारने चले, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। अपनी बेइज्जती सुनकर कालराज को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी आंखों के सामने बस एक ही ध्येय था, आयशा। बिना किसी भाव के कालराज अरमान से बोला, मैं यहां पर तुमसे फिजूल में कोई बहस करने नहीं आया हूं। आयशा को मुझे सौंप कर तुम्हारा भी समय बचाओ और मेरा भी। अरमान पहले से ही आयशा को लेकर बहुत परेशान था और ऊपर से कालराज की बातें अरमान के गुस्से को सातवें आसमान पर ले गई। उसने कालराज से कहा, और कितना पाखंड। तभी विजयदेव ने अरमान के कान में जाकर कहा, अरमान थोड़ी शांति से बात करनी होगी। एक तो आयशा भी उसके पास है और दूसरी बात ये कि हमें संधि लेकर उसी के पास जाना है, तो ऐसी नाजुक समय पर विवेक से काम लेना होगा। हमारा एक भी गलत कदम हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनते ही अरमान के हाव भाव बदल गए कि देखकर कालराज ने तुरंत पूछा, क्या फुसफुसा रहे हैं विजयदेव, जरा हम भी सुने। ये सुनकर विजयदेव बोले, कालराज हम अभी बस तुमसे ही बात करने आ रहे थे, हमें एक गंभीर विषय पर बात करनी है। ये सुनकर कालराज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा लगा जो आपको मेरी याद आई, पर अभी मेरे लिए एक ही विषय गंभीर है, मुझे आयशा लौटा दो और मुझे यहां से जाने दो। ये सुनकर विजयदेव ने कालराज को समझाते हुए कहा, कालराज हम देवता हैं और तुम्हें पता है कि देवता कभी झूठ नहीं बोलते। हम कह रहे हैं कि यह आयशा नहीं है। कल आयशा बहुत गुस्से में आ गई थी और उसी गुस्से में वो कहीं चली गई। हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की। देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे आठों दिशाओं में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। इसलिए हमें लगा कि वो तुम्हारे पास होगी। अरमान झूठ नहीं बोल रहा है। विजयदेव के मुंह से ये बात सुनकर कालराज को थोड़ा भरोसा हुआ और वो भी सोच में पड़ गया कि आयशा गई तो गई कहां। पर उसकी ये चिंता किसी पिता की चिंता नहीं थी, ये तो उसके स्वार्थ का एक हिस्सा था। कालराज को चिंतित देख विजयदेव ने समय का फायदा उठाते हुए उससे कहा, कालराज मैं जानता हूं कि काल के राक्षसों में और देवताओं में बहुत मतभेद है। तुम इस पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हो और हम मनुष्यों का आधिपत्य चाहते हैं। हम इन मतभेदों को अच्छे से समझते हैं,
पर इनमें एक तीसरा पक्ष भी है जो उसका आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। ये सुनकर कालराज बोला, तुम देवता, हम राक्षस और वे मनुष्य, बस इतने ही तो गण हैं। और तीसरा पक्ष कहां से ला रहे हो विजयदेव? क्या ये पक्ष मंगलवासी है? और कालराज हंसने लगा। इस पर विजयदेव ने उत्तर दिया, नहीं कालराज, वे कोई मंगलवासी नहीं है पर तुम्हारे ही अपने हैं, कालकोंड राक्षस। कालकोंड राक्षसों की यादें जैसे कालराज ने अपने दिमाग से मिटा ही दी थी। इतने सालों में किसी ने कालकोंड राक्षसों का उल्लेख नहीं किया था, पर आज ये नाम उसके कानों पर पड़ते ही उसकी आंखों के सामने सारी पुरानी बातें आ गई। उसे लगा था कि उसने अपने दिलो दिमाग और इस पृथ्वी, इन तीनों जगहों से कालकोंड के राक्षसों का वजूद मिटा दिया था, पर वो तीनों जगहों के बारे में गलत था। इस उनके कालराज विजयदेव से कहता है, असंभव, कालकोंड राक्षस मेरे हाथों से बच ही नहीं सकते। इस पर विजयदेव कहते हैं, ये सच है कालराज, और उसे कालकोंड राक्षसों के बारे में विस्तार से बताते हैं, किस तरह वो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कालकोंड वृक्ष का निर्माण कर रहा है, किस तरह उसने अपने पास कई वैज्ञानिक रखे हुए हैं जिनकी मदद से वो अनेक अस्त्र शस्त्रों को बनवा रहा है। विजयदेव ने उस द्वीप का बारीकी से वर्णन किया और उस विशाल जानवर के बारे में भी बताया जिसे कालनाथ अपना ब्रह्मास्त्र मानता है। इस पर कालराज बड़ी गंभीरता से कहता है, मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि कालकोंड के राक्षस बच कैसे गए। 20,000 साल पहले जो भी हुआ, मुझे लगता था कि कालकोंड राक्षसों का कोई नामो निशान नहीं बचा, और अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो कालकोंड राक्षस सिर्फ मनुष्य या देवताओं के अस्तित्व को हानि नहीं पहुंचा रहे बल्कि काल के राक्षसों के भविष्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इस पर विजयदेव ने कालराज से कहा, कालराज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए हमें साथ मिलकर इस संकट से लड़ना होगा। महासेनापति चंद्रहास कालनाथ को आगे की तैयारियां दिखा रहा था, छोटी से बड़ी सारी चीजों को बड़ी ही बारीकी से समझा रहा था। सेनापति में आज उत्साह भी इसलिए दिख रहा था क्योंकि कालनाथ विरले ही इस प्रयोगशाला में आया करता था और आज वो खुद की इच्छा से यहाँ आया था, इसलिए सेनापति उसे सारी चीजें दिखाना और बताना चाहता था। तभी चलते चलते कालनाथ रुक गया और उसकी नजर एकदम से किसी चीज पर पड़ गई, पर वो उस चीज को नहीं देख रहा था, वो तो अपने विचारों में खो गया था। चंद्रहास ने कालनाथ को विचारों में खोया देख कुछ पल तो उससे कुछ नहीं कहा, पर कुछ देर बाद चंद्रहास ने कालनाथ को आवाज लगाई, महाराज। पर कालनाथ ने जवाब नहीं दिया। चंद्रहास ने फिर आवाज लगाई, महाराज। तब कालनाथ ने सेनापति को देखते हुए कहा, सेनापति, हम कब आक्रमण करने वाले थे? सेनापति ने कालनाथ को जवाब दिया, महाराज, 4 दिन बाद। आज 2 दिन हो चुके हैं, आपने 4 दिन का समय हमें तैयारियों के लिए दिया था। कालनाथ कुछ पल और सोचता है और सेनापति से कहता है, सेनापति, हम आज ही आक्रमण करेंगे, आज ही युद्ध का आगाज करेंगे। सेनापति एकदम चकित रह गए। उन्होंने उलझन में कालनाथ से पूछा, पर महाराज आज क्यों? ऐसी बात नहीं है कि हम आज युद्ध शुरू करने में सक्षम नहीं हैं, पर और 2 दिन मिल जाते तो अच्छा होता। ये सुनके कालनाथ ने सेनापति को समझाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि उस अरमान और विजयदेव ने हमारी पूरी योजना सुन ली होगी और वे लोग भी शांत नहीं बैठेंगे, वे लोग भी कुछ ना कुछ तैयारियों में जुटे होंगे। यही सही मौका है उन्हें चौंकाने का। उन्हें पता है कि हम 4 दिनों बाद आक्रमण करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम आज ही आक्रमण करेंगे। सेनापति को कालनाथ की बातों में तर्क तो लगा, इसलिए वो भी तैयार हो गया। उसने कालनाथ से कहा, तो क्या आदेश है महाराज, बताइए। सबसे पहले तो एक मिसाइल को अरबी सागर में छोड़ो। सेनापति को कुछ समझ नहीं आया कि मिसाइल को अरबी सागर में क्यों छोड़ा जाए, इसलिए सेनापति ने कालनाथ से सवाल किया, महाराज अरबी सागर में क्यों? इस पर कालनाथ ने जवाब दिया, अरबी सागर में इसलिए
क्योंकि ऐसा करने से एक विशाल भूकंप आएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि युद्ध का आगाज हो चुका है। ये सुनकर सेनापति तुरंत ही अपने वैज्ञानिकों के पास गए और उनसे मिसाइल तैयार करने के लिए कहा। कुछ ही देर में मिसाइल अरबी सागर में छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। मिसाइल को आसमान में छोड़ने के आदेश दिए गए और मिसाइल छोड़ दी गई। मिसाइल जब द्वीप के अंदर से बाहर निकल रही थी तब सारा द्वीप कांप उठा था। सारे प्राणियों की नजर आसमान की तरफ उठ गई। उन्होंने कभी इतनी विशाल चीज को नहीं देखा था। महाकाल राज और विजयदेव के बीच बात चल रही थी तभी उन्हें एक विस्फोट की आवाज आई और वहां की धरती थोड़ी हिल गई। सब लोग सतर्क हो गए और विजयदेव ने कुछ देवों को हालात का जायजा लेने भेजा। अपनी दिव्य शक्तियों के सहारे उन देवों ने देख लिया था कि ये मिसाइल कालनाथ ने छोड़ी है। उनमें से एक देव ने आकर विजयदेव से कहा, देव ये कोई प्राकृतिक भूकंप या आवाज नहीं थी, ये कालनाथ ने छोड़ी हुई एक मिसाइल थी। कालनाथ ने आक्रमण कर दिया है। ये सुनते ही विजयदेव ने कालराज से कहा, ठीक है कालराज, अब हमारे पास बहस करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें साथ में आकर ये युद्ध लड़ना ही होगा। इस पर कालराज ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, काल के राक्षस इस युद्ध में आपकी सहायता करेंगे, पर यह पहली और आखिरी बार होगा। ये सुनकर विजयदेव ने कहा, तो वे ठीक है, हमें अपनी अपनी सेनाओं को तैयार करना होगा। ये कहकर विजयदेव बाकी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक चले गए और कालराज अपनी जगह चला गया। वहां बाकी के मुख्य राक्षस कालराज का आतुरता से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आयशा को रखने के लिए सारी व्यवस्था भी कर ली थी। सारे साजो सामान के साथ वो इस बात के लिए तैयार बैठे थे कि अब आयशा आएगी और वे लोग उसके पेट में पल रहे दिव्य पुरुष की आहुति देंगे। यज्ञ की सामग्रियों को वो अच्छे से जमा रहे थे तभी कालराज दिव्य रास्ते से प्रकट होता है और बहुत ही तेजी से अपने आसन की ओर बढ़ा। मुख्य राक्षसों में से एक उसके पीछे पीछे जाता है पर आयशा को उसके साथ ना देख के उसे लगता है कि कालराज को आयशा नहीं मिली। कालराज से पूछते हुए उसने कहा, महाराज आयशा नहीं मिली? इस पर कालराज बोला, आयशा को छोड़ो, हमें फिलहाल उससे बड़ी समस्या को सुलझाना है। तुम जाकर पहले सारे राक्षसों को युद्ध के लिए तैयार करो, हमें जितनी जल्दी हो सके युद्ध पर जाना होगा। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कालराज से पूछा, युद्ध किससे? तब कालराज ने संक्षेप में उनको सारी बातें बताई और देखते ही देखते उनके होश उड़ गए, उनके चेहरे के भाव बदल गए। सब कुछ सुनने तक मारीच वहां खड़ा था। उसके बाद वो वहां से भागकर सबसे पहले हथियारों की कार्यशाला में गया ये देखने के लिए कि कहीं शस्त्र कम तो नहीं पड़ेंगे। उसने एक बिगुल बजवाया जहां उसने सारे राक्षसों को युद्ध की तैयारी करने के बारे में जानकारी दी। सारे राक्षस तैयारी में तो लग गए पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये युद्ध क्यों हो रहा है, किससे हो रहा है। शस्त्रों की कार्यशाला के बाहर एक बड़ी सी कतार लग गई। एक एक राक्षस को जरूरी शस्त्र दिए जा रहे थे। उस कतार में खड़े रहकर सारे एक दूसरे से यही जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है, पर किसी को कोई खबर नहीं थी। पर कहीं से उड़ती उड़ती खबर ये पता चल गई थी कि हमें देवताओं के साथ मिलकर लड़ना है। ये सुनकर सब हैरान थे कि अगर देवताओं से मिलकर लड़ना है तो लड़ना किससे है? देवता और राक्षस मिलकर मनुष्यों पर तो आक्रमण करेंगे नहीं क्योंकि वे इतने बलवान तो है नहीं। इसी असमंजस में कालकीयगण के सारे राक्षस तैयारी कर रहे थे। कुछ राक्षस कालराज का धातु का कवच तैयार पूछ कर उसे चमका रहे थे। कालराज अपने सारे हथियारों को अलग से कुछ राक्षस बुलाकर नुकीला और तेज करवा रहा था। वो खुद ध्यान देकर उन्हें उपदेश दे रहा था कि कैसे काम करना है। उसके मन में अनेक बातें चल रही थी। कालकुंड राक्षसों के प्रति उसका गुस्सा तनिक भी कम नहीं हुआ था। उसे तो बस ये चाहिए था कि कालनाथ उसके सामने आ जाए और वो उसका वजूद खत्म कर दे। वहां आश्रम में सब लोग डर गए थे। अरमान ने सबको शांत करवाया और दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, पर अरमान को सच में खुद को भी ये बात नहीं पता थी कि सब कैसे ठीक हो जाएगा।
वो युद्ध के लिए तैयारी कर तो रहा था, पर उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आयशा कहाँ गई होगी, कैसी होगी। और उसे ये भी पता नहीं था कि अब इसके बाद उन दोनों को कब एक साथ अच्छा वक्त बिताने का समय मिलेगा। वो मन ही मन ये भी चाहता था कि इस युद्ध में जाने से पहले वो आयशा से एक बार मिल ले, क्योंकि युद्ध कला में कोई कितना भी निपुण क्यों ना हो, रणभूमि सबका रक्त पीने के लिए तैयार बैठी होती है। आपकी ओर उठा हर शस्त्र आपके प्राणों का भूखा होता है। एक छोटी चूक और आपका सारा अस्तित्व खत्म। सारी तैयारियां करते हुए अरमान की नजर दरवाजे की ओर ज्यादा थी, उसे आयशा के वापस आने की आस लगी थी। आयशा कहां होगी? जब कालराज की सेना को पता चलेगा कि उन्हें राक्षसों का ही खून बहाना है, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कालनाथ इस युद्ध को अपने पक्ष में रख पाएगा? क्या अरमान युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए फना।